नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बड़ी बेसर्मी से आपको इंतजार होगा एग्जिट पोल का। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में किसने बाजी मारी, कर्नाटका में कौन सरकार बना रहा है, बहुत सारे प्रश्न होंगे। और आप बिहारी सुल्तान चैनल को इसलिए ज्यादा देखते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सच के नजदीक होते हैं। यह और बात है, अच्छा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कड़वी बातें भी सुन लेनी चाहिए, काफी फलदायक होती है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा समीकरण हिट किया है, हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी का असली एजेंट कौन बनकर उभरा है, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। और यह भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का किंग कौन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी पावर बैलेंस की स्थिति में होगी। पहले एक विधायक था, अब दो तीन हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा बसपा को कर्नाटक में नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश में लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पूरा सर्वे किया गया, इस सर्वे के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या यह आती है, अगर आप बसपा के कार्यकर्ता मतदाता के इलाके से निकलेंगे तो वहां सारे बसपा बसपा करते नजर आएंगे। भाजपा के इलाके से निकलेंगे, कहने का मतलब जहां इकट्ठे मतदाता हो, समर्थक हो, वहां भाजपा भाजपा कहते हुए नजर आते हैं। और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच से गुजरेंगे तो वो समाजवादी पार्टी को जिता रहे होते हैं। अब यहां कंफ्यूजन की स्थिति है कि असलियत क्या है। फिर समीकरण देखी जाती है, फिर यह भी देखी जाती है कि दबी जुबान में किन किन लोगों ने और किनके बारे में कहा कि हमने वोट दिया है। सारे नेट कंक्लूजन के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि शायद, हो सकता है ऐसा हो भी जाए, शायद समाजवादी पार्टी का खाता भी ना खुले, ऐसा लग रहा है। खाता खुल भी सकता है, यह अनुमान है, यह एग्जिट पोल है। भाजपा के बारे में कहा जाता है वो सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, पैसा पावर सब कुछ है उनके पास। तो जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहेगी नंबर वन, और उनके समर्थकों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसके आधार पर गोदी मीडिया और बाकी मीडिया ये कह रही है कि भाजपा नंबर वन पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दलित मुस्लिम समीकरण हिट किया है इस बार, और इसमें अगर किसी ने सेंग लगाया है तो वह भी मैं बताऊंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि बहन जी को कितना सीट मिल रहा है, यानी बहन मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को। अनुमान के हिसाब से 10 सीट का अनुमान है, 17 निगम 17 मेयर के सीट में 10 सीट का अनुमान है बहुजन समाज पार्टी को। और ये केवल अनुमान है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कंफर्म कर सकता हूं कि 4 सीट कंफर्म है। वह भी सीट बता ही देता हूं, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, ये 4 सीट क्लियर कट आ रहा है बहन मायावती जी के पास। ये मेयर का सीट, ये तो साफ नजर आ गया। लेकिन मेरठ में कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा था, कुछ लोग अपना कैंडिडेट के बारे में बोल रहे थे, लेकिन जो सपा के विधायक थे अतुल प्रधान, जिनकी पत्नी सीमा प्रधान वहां चुनाव लड़ रही थी, वो आग बबूला हो रहे थे, हंगामा हो रहे थे, गुस्से में थे। तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर अच्छा खासा वोट नहीं मिला। अब जो है लड़ाई भाजपा और बसपा में हो गई। लेकिन अगर बसपा को अथवा सपा को नुकसान किसने किसने पहुंचाया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी वाले तो ये कह देंगे कि बसपा ने उनका अल्पसंख्यक वोट काट लिया। अब बसपा वाले क्या कहेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक का वोट कटा है। और उत्तर प्रदेश में इस बार पतंग भी उड़ी है, बहुत उड़ी है। रही बात ये पतंग छाप कौन सा, ये ओवैसी जी का है, AIMIM।
AIMIM ने कैंडिडेट जम कर दिया, पतंगुरी अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हुआ और उसके बावजूद भी दलित मुस्लिम जो समीकरण है वो हिट किया है। बहन मायावती जी पहले से ज्यादा सीट पर अपना बढ़त बनाए हुए थे और 4 सीट तो बिल्कुल ही कंफर्म था। भाजपा को तकलीफ है, तकलीफ का मूल का मुख्य कारण है सपा नहीं बसपा, क्योंकि बसपा अब नजर में आ गई है। भाजपा का मेन जनाधार, मेन वोट जो काटा है इस बार बसपा ने, और सपा से असंतुष्ट होकर अल्पसंख्यक अपने आप भागे हैं बसपा के तरफ। यह नजर आया है, लोगों के बातचीत से पता लगा है कि जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय से थे, समाजवादी पार्टी में असंतुष्ट थे, वो भाग भाग कर बसपा में आ गए। और भाजपा को सीधी टक्कर अगर किसी ने दिया बसपा ने, और बसपा का जो कुछ वोट काटा है वह AIMIM ने, यानी ओवैसी जी के उम्मीदवार ने पतंग उड़ाया, अल्पसंख्यक वोट में सेंग लगाई और बहुत बड़ी बहुमत से बसपा उत्तर प्रदेश में आने वाली थी। लेकिन 4 सीट कंफर्म, 10 सीट का अनुमान। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।